सीएम विष्णुदेव साय सोमवार को बालोद जिले के गोरेला गांव में आयोजित कर्मा महोत्सव और आदर्श विवाह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सीएम साव ने कहा कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं उसके साहू समाज का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने सामाजिक जनों को भक्त माता कर्मा के रास्ते पर चलकर सामाजिक संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, समाज को जोड़ने और सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। मैं चाहूंगा कि साहू समाज ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रम आगे करते रहे। आज हमार छत्तीसगढ़ में हमार पार्टी के बड़े बड़े नेता मन के दौरा है। कल शाम के ही हमार देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आईन है। आज हमार राष्ट्रीय अध्यक्ष के अभी दोपहर में आगमन होना है, लेकिन मैं सबसे छुट्टी मांगते हुए कि वो ये गोड़ेला में हमार साहू समाज के बहुत बड़े समारोह है, इसलिए मोला आप मन आज छुट्टी देवा और छुट्टी मांग के आप मन के बीच में आए हो और आप मन भारी संख्या में यहाँ पधारे हो, बहुत बहुत आप मन के बधाई और धन्यवाद। सत्यनारायण बाबा मोर गुरु हैं। रायगढ़ से मैं 20 साल सांसद रहे और कुसुमनारा रायगढ़ के बगल में ही है, जो आज कुसुमनारा बाबा धाम के नाम से विख्यात है। अब ओला कोई समाज में माधना तो ठीक नहीं है, काबर की आज सत्यनारायण बाबा सब जन के वो गुरु हैं, सब जन के वो भगवान हैं। आज 26 साल होगी से खुले आसमान के नीचे बैठीन है, अगल बगल सब चीज है, लेकिन जो चबूतरा में बैठी है वो खुले आसमान में है और गर्मी सर्दी धूप सबला सहते हुए 26 साल से तप में बैठी है मानव सेवा बर, और मन के असीम स्नेह मोर ऊपर में रथे, और मैं कहीं न कहीं आज जिस मुकाम पर हूं तो मन के बहुत बड़े आशीर्वाद है। और लगातार साहू समाज के कार्यक्रम में मोर जाना हो थे, अभी कल भी मैं गए रहे हैं एक जगह साहू समाज के कार्यक्रम में, वहां भी इस तरह के आदर्श विवाह के आयोजन रही से, एकर पहले भी कई कार्यक्रम में मैं शामिल हो चुके हूं। बड़ा अच्छा लगते जब इस तरह के समाज द्वारा आदर्श विवाह के आयोजन होते। आज के ये महंगाई के जमाना में एक आदर्श समाज के द्वारा ये प्रस्तुत किए जाते हैं। कल तो मैं गए रहे हूं 19 जोड़ा के शादी संपन्न हुई रही, तो वहां 7 जोड़ा दूसर समाज के भी रहीन और जेकर पूरा खर्चा साहू समाज वहन करी, तो निश्चित रूप से इस तरह के विवाह से आज के खर्चीला समय में समाज के द्वारा इतना खर्चा उठाना बहुत प्रशंसनीय काम है। मैं चाहूं कि साहू समाज आगे भी ऐसा काम करते रहे। और आज मैं वो जमल रहमन आशीर्वाद देहे हन उमल पुनः मैं मंच के द्वारा भी आशीर्वाद देता हूं जमन के नया जीवन नव दाम्पत्य जीवन शुरू होते, उमन के जीवन मंगलमय हो सुखमय हो, ये मैं मन से फिर से एक बार उमल आशीर्वाद देत हूं। बंधुओं, आप मन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी से, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी गांव के किसान के बेटा और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के दायित्व दई से, ये मोरले बड़े सौभाग्य के बात है। और आज 3 करोड़ छत्तीसगढ़वासी मन के विश्वास में खरा उतरे पर मोर तरफ से पूरा पूरा प्रयास चलत है, लेकिन कहीं न कहीं आप मन के समाज के भी आशीर्वाद के मोला बहुत आवश्यकता पड़ी। आज सौभाग्य के बात है कि हमार
देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जैसे मैं सत्यनारायण बाबा के लिए कहें कि वो जरूर साहू समाज में पैदा हुई हैं, लेकिन वो कोई एक समाज के लिए सभी समाज के हैं, उसी तरह से आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी साहू समाज में पैदा हुई हैं, लेकिन आज हमारे देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, पूरे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। ये हमारे 140 करोड़ भारतवासी के लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारे प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए ये देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी वर्ग के रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री जो मोला 5 साल उमन के साथ काम करे के अवसर मिलिस, 14 से जब 19 में प्रधानमंत्री रहीन तो मैं भी सांसद रहे हूं, राजमंत्री के रूप में काम करे के उमन के आशीर्वाद मिले रहीस और पहले ही दिन उमन पार्लियामेंट में कह रही कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी और आप मन देखा कि उमन के पहला 5 साल पूरा गरीब मन के लिए समर्पित रही। गरीब मन के लिए पक्का के मकान देना, माता बहनी के सम्मान के लिए शौचालय के निर्माण करना, बैंक में खाता खोलना, हमार माता बहनी मल्ला धुआं से मुक्ति दिलाए बर गैस के सिलेंडर देना आदि आदि। आज मैं ये सब काम गिनाए बर नहीं आया हूँ, आप सबला मालूम है पूरा गरीब मन के खातिर मन 5 साल काम करीन और जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनीन तो बड़े बड़े काम होइस, राम मंदिर के निर्माण होगी, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई, हमार मुस्लिम माता बहनी मन के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास होगी, ये सब बड़े बड़े काम होइस। और तो और आप ला मालूम है कि पाकिस्तान जो पड़ोसी है वो कैसे गिदड़ भपकी देत रही से भारत ला, रोज रोज गिदड़ भपकी दे है। और पहले के सरकार बन खाली शांति वार्ता करके खत्म कर देते रहिन, हमर देश के सैनिक मन के सर कलम करके पाकिस्तान के सैनिक मन फुटबॉल जैसे खेले, लेकिन हमर देश के पहले के सरकार ला कोई प्रभावे नहीं पड़े। लेकिन आप मन देखे है कि जब से मोदी जी ये देश के प्रधानमंत्री हैं कैसे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करीन, तो आज पाकिस्तान के गिदड़ भपकी बंद होगी से।